हेलो एवरीवन, दिस इज पिंटू कुमार एंड यू आर वाचिंग मिस्टर बैडास एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज के इस न्यू प्रेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं बिजिंजम लाइट हाउस के अंदर और यहां से मैं आपको इस लाइट हाउस को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों, यहाँ से ना कोवालम बीच का सीन जो है ना बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। आपको दिखाता हूँ यहाँ से सीन। ये जो है ना, इस साइड में कोवालम बीच है, इस साइड में यहाँ पर, और ये तो अरब सागर है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। और अगर हम इस साइड चले जाएँ ना, और हम अगर इस साइड चले जाएँ, इस साइड हमारा हिंद महासागर है। और दोस्तों, और ये है हमारा बिजिंजम लाइट हाउस। दोस्तों, ये जो केरला है ना, यहाँ पर बहुत सारे लाइट हाउस है, जैसे कि ये एक लाइट हाउस होगी। अगर यहाँ से हम इधर इस यहाँ से ऊपर सीधा जाएँ तो हमें लगभग 7-8 और लाइट हाउस दिखाई पड़ेगा, मिलेगा मतलब कि। लेकिन वहाँ पर जाने को देते हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पहली बार इस लाइट हाउस में आया हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं उधर भी जाऊँगा, उधर जाके भी आपके लिए ये वीडियो बनाऊँगा। और गाइस, ये जो है ना केरला को गॉड्स ऑन कंट्री बोलते हैं, मतलब कि भगवान का अपना देश है ना। और दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं थोड़ी देर और घूमूंगा और फिर यहाँ से मैं उस बीच में जाऊँगा। बीच में तो हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए वहाँ पर नहीं बनाऊँगा, सिर्फ घूमने के लिए जाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा और क्या क्या है यहाँ पर। और भाई लोग, यहाँ पर ना मेरे सामने में एक और अच्छी चीज़ है, जैसे कि फाउंटेन हो गया। अभी हालांकि ये बंद है, जब ये चलता होगा तो बहुत ही अच्छा देखने को सीन होता होगा यहाँ से। और साइड में पंखे वंखे लगे हुए हैं घूमने के लिए, जो हवा चलता है ना तो वो घूमता है। और दोस्तों, ये मेरे सामने में है लाइट हाउस, आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये है भाई लाइट हाउस। और दोस्तों, मेरे ठीक सामने ये फाउंटेन है जो कि अभी बंद है। यह है फाउंटेन, और मैंने आपको जो पंखा बताया उस साइड में। और दोस्तों, यहाँ पर ना छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा वहाँ पर जाके। दोस्तों, यहाँ पर है चिल्ड्रन पार्क, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ अभी। चिल्ड्रन पार्क और अभी मैं। और दोस्तों, आपको ये ब्लॉग, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए इतने दूर दूर आके वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो भाई प्लीज़। और दोस्तों, इसके बाद मैं आप यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी जगह में घूम चुका हूँ। हालांकि ये लाइट हाउस जो है ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बनाया गया है ना। और दोस्तों, इसके अंदर ना खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, कैफेटेरिया है इसके अंदर। तो दोस्तों, मैंने इस जगह को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, यहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप आ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था, कोवालम लाइट हाउस जो कि त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोवालम लाइट हाउस के ठीक बगल में ही है ये बिजिंजम लाइट हाउस। तो आप यहाँ पर आ सकते हो आसानी से। और दोस्तों, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ मैं अब। और भी मुझे अगर रास्ते में कुछ दिखाई पड़ेगा इंटरेस्टिंग चीज़ें, मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, ये लाइट हाउस 118 फीट ऊंचा है और ये 30 जून 1972 से काम में आना शुरू हो गया था। अभी मैं इसके अंदर चलूँगा और दिखाऊँगा क्या क्या है अंदर में। और दोस्तों, ये है यहाँ का लिफ्ट।
अभी मैं हूँ बिजेंजम लाइट हाउस में और मैं टॉप पे आया हूँ। फिर मैं ऊपर भी जाऊँगा और नीचे भी जाऊँगा, से जाके रोड पर भी दिखाऊँगा। तो मैं तो बने रहेगा वीडियो, चलो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और चैनल बनाने जाने को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मेरे साथ इस बिजेंजम लाइट हाउस रोड करते हैं। भाई यहाँ से ना बिजेंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का सीन ना पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मस्त सीन है यार। दोस्तों मैं अभी सीढ़ी से ऊपर से नीचे आया सीढ़ी से और यहाँ पर भी लगा हुआ था, मुझे डर लग रहा था। और दोस्तों ये जो बंदरगाह है ना, ये जो लाइट हाउस है, ये 18वीं और 19वीं ये और जो ये बंदरगाह है ना 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत ही बेस्ट बंदरगाह हुआ करता था, हालांकि अभी भी है ना। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, बस मैं गेट के पास पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ पर, और शाम के टाइम में जहाँ पर ये जो है ना बिजेंजम लाइट हाउस के अंदर आने का समय है 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। और दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो गाड़ियाँ, ये है पार्किंग एरिया बिजेंजम लाइट हाउस के अंदर का, और यहाँ पर जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा फॉर दी सिक्योरिटी। और दोस्तों फाइनली मैं बाहर आ गया इस लाइट हाउस के अंदर से, और मेरे पीछे देख सकते हो आप टिकट काउंटर। तो मैं बाहर कोवलम लाइट से बाहर आ चुका हूँ और मैं जा ही रहा था अपने घर को, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इस बीच पर भी घूम लेता हूँ और उसके बाद फिर चलूँगा अपने घर पर, है ना। तो दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पर घूमता हूँ। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद जय भारत। और गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों और भाई लोग मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस एरिया का ऑफिस, मतलब कि एक कार्यालय है, यहाँ से डिफेंस किया जाता है कोस्ट वाले एरिया को।